अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे कितनी सारी भीड़ हो रखी है। ठीक है, मिलता हूँ आपको मेन गेयर के अंदर। और भाई गन्ना कर गया भाई। सब गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग है और आज मैं आप जा रहा हूँ, मतलब आज देख लो रंगपंचमी का दिन है। ठीक है, छपरी लुक लेके जा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल छपरी लुक लेके जाने वाला हूँ गाइस। ये पहला व्लॉग बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा राजवाड़ा, जहाँ पे निकलती है पूरे इंदौर की सबसे बड़ी गेयर, मतलब देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी गेयर निकलती है। तो ये देखो गाइस, ये भैया है इधर, ये मेरे ऊपर ही गुलाल मार रहे, वीडियो नहीं बनाने दे रहे। ये हमारे सिंगम सर है उधर, देख लो दिख रहे हो। तो अभी जाएंगे यहाँ से सीधा गेयर में। ये मेरा, ये भाई मेरे को ही मार रहा है मेरी गाड़ी पे बैठ के। तो ठीक है ना, मैं यहाँ से जाता हूँ गियर के अंदर, आपको पूरा लुक दूंगा गाइस। वैसे तो अंदर जा नहीं जाऊँगा, बहुत सारे लोग रहते हैं, फटती है लपक कर। ठीक है, तो जैसा भी सीन है, वैसे तो यार यहाँ से बहुत पब्लिक जा रही है। ठीक है, और इंदौर में जो गियर निकलती है ना गाइस, कहीं नहीं देखी होगी। अगर आप इंदौर के नहीं हो, आप फिर सोच लेना कि अगर ज़िंदगी में एक बार इंदौर आते हो तो प्लीज़ गियर विज़िट करने ज़रूर आना। तो हाय गाइस, यार देखो मेरी आवाज़ तुमको शायद ही आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ में जाने वाला हूँ मैं। आ गया हूँ इंदौर के राजवाड़ा के अंदर और आज यहाँ पर निकल रही है रंगपंचमी की गेयर गाइस। वर्ल्ड की सबसे बड़ी होली की गैदरिंग होती है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। सॉरी भैया। तो गाइस, आज मैं जाऊँगा गेयर के अंदर और आप सबको दिखाने वाला हूँ गेयर में कैसा मामला होता है। ठीक है, यहाँ पर भीड़ देख लो, भीड़ यहाँ पर हो रही है बहुत खतरनाक, और लोग बिल्कुल मज़े में इंजॉय कर रहे हैं। और आज बिल्कुल छपरी लुक लेके आए हो गाइस। में देखो, मस्त टोपी लगाई है, छोटा चश्मा लगाया है, चेन वेन वाइट शर्ट पहन के, बड़ी जॉगर वाली। तो बताते हैं आगे आगे कि कैसा क्या सीन होने वाला है पूरा। ठीक है, मिलता हूँ आपको मेन गेयर के अंदर। और भाई गन्ना कर गया भाई। सेट लाइफ गाइस, देखो क्या मोबाइल लगा रखा है ट्राइपॉड पे, और एक के बाद एक लोग कलर देख के आ रहे हैं मोबाइल पे मेरे, पूरी पोपट कर रखी है गाइस। तो आगे जाके बताता हूँ, मोबाइल साफ करूँगा पहले, तो मिलते हैं आगे वाले सीन में। तो गाइस यहाँ पे आप देखो भीड़ कितनी हो रही है यार, मैं तो देख के अभी चक्कर आ रहे गाइस, टेम्पो टेम्पो से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक सच के। आगे बताऊँगा मैं, अभी फेस स्कैन तो नहीं कर रहा हूँ मैं। हैप्पी होली भैया आपको भी। यार भीड़ देखो गाइस, भीड़ अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं राजवाड़ा में घुसा नहीं हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ नगर निगम के ब्रिज पे गाइस। पीछे आता है मेरे वहाँ पे नगर निगम, और उस नगर निगम के यहाँ पे देखो गाइस, चौराहे पे कितनी भीड़ हो रही है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। और देख लो गाइस, पूरा ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे अभी तक मैं मेन जगह घुसा भी नहीं हूँ। ठीक है, पहले मेन जगह घुसूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा गाइस क्या सीन होने वाला है। ठीक है,
तो भाई लोग यार यहाँ पे मैं ना चढ़ गया था पुलिस के वॉच टावर पे और यहाँ से वीडियो बना रहा था। अब हुआ क्या भाई, यहाँ पे कुछ अंकल लोग आए, तिरंगा भारती करके कोई संगठन थे शायद उनका, तो वहाँ पे ये लोग आए और अंकल मुझे पता नहीं क्या बोलने लग गए। तो पुंगी पुंगी पुंगी, इतनी पुंगी बज रही थी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फिर ये अंकल आए कुछ बोल रहे थे, आप लोग ही सुनो भाई, समझ के बताओ कमेंट में। मैं तिरंगा भारती रंगमंची पे कुछ लाइने होली के होड़ दंग में धान मजरों के टाप पर झूमती इतराती टोली गली और चौराहों पर लाल पीले और काले बंदरों से नाचते रंग रही है टोलिया गालियां चटकारते रातों इस दंग में सबको रंगेंगे हम होली जैसे पर्व पर बुरा न मानो तुम होली जैसे पर्व पर बुरा न मानो। मैं तिरंगा भारती इंदौर और हमारे साथी ये देखिए वृंदावन शर्मा जी लाइन में आए राजाली मेहता जी आज लाल वाले पर ऐतिहासिक होली रंगपंचमी का जो आनंद आ रहा है टीवी चैनल को बधाई देता हूँ। तुमने जो कवरेज किया है बहुत शानदार, मजा आ गया आनंद। तो भाई मुझे वीडियो बनाता हुआ देख के अंकल जी आए और मस्त मस्त कविता सुनाने लगे, पर यार मैं समझा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी गाइस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पुंगियाँ बजा रहे थे लोग कान में आगे, कोई मुंह पे गुलाल मार रहा है, कोई किसको क्या कर रहा है, और फिर मतलब समझ नहीं आया। फिर भी मैं चलो ठीक है उनके साथ मज़े लेने लग गया मैं भी फील्ड में। और फिर यहाँ से भाई क्या पता क्यों एकदम इतनी भीड़ आने लग गई, मैं पागल हो गया। मेरा साथ वाला बंदा कहाँ पे, मेरी चप्पल किधर गई मुझे नहीं मालूम, मैं अंदर घुस गया कहीं पे जाकर, मैं छुप गया भाई, मेरी फट के चार हो गई थी लपक के एकदम। मैंने सोचा अब छोड़ो गेयर मेरे को, अभी चलते घर निकलते, बाद में समझे के क्या हो रहा है। तो ये रास्ता भाई घर जा रहा हूँ मैं, ये घर जाते हुए जो है भाई सीन है दो चार शॉट है। उसके बाद मैं रात को मतलब शाम को वापिस आया था राजवाड़ा, आगे का आपको सीन बताता हूँ मैं, देखते रहिएगा पूरी वीडियो। तो भाई देखो एक्चुअली क्या था कि मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर रोड देखो खाली गुलाल ही गुलाल है और पूरा सामने से लग रहा है कोहरा हो रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या था गाइस, मैं आया था गेयर के अंदर है ना, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, पर गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ थी, कम से कम लाखों करोड़ों लोग आए थे, ठीक है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, मेरा दिमाग हुआ ख़राब। मैंने बोला भाई अब तो घर चलना चाहिए क्योंकि गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, किसी को क्या हो रहा है भाई, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या हो क्या रहा है। तो मैं तो भाई पागल हो जाता, तो मैंने सोचा रहन दो भाई अपने बस की नहीं है अभी। फिर मैं कुछ काम से इधर आया था तो मैं सोचा चलो राजवाड़ा जाते हैं मस्त वीडियो बनाऊंगा। अभी खाली देख लो गाइस कैसा होता है गेयर के बाद में, गेयर तो नहीं दिखा पाया गाइस, भीड़ दिखा दी हमने आपको वीडियो में, पर हाँ गाइस देखो कितना गुलाल है और ऐसा लग रहा है कि पूरा कोहरा हो रहा है, ठीक है। मुझे बिल्कुल अभी भी समझ नहीं आ रहा गाइस, पूरे वर्कर्स और सब लोग जो है अभी घर जा रहे हैं। मैंने जब दो चार शॉट लिए थे, ये सामने आपको वॉच टावर दिख रहा होगा यहाँ पे, वो सामने वॉच टावर से लिए थे। और अभी क्या है ना, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ मैं और एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा है ना दिक्कत भी होगी और साउंड भी आएगा, तो प्लीज़ गाइस उसे इग्नोर करिएगा। यहाँ पर वो ये बस बस खड़ी है, ये छतरी बाग है गाइस, अपना प्यारा सा इंदौर की शान है गाइस ये सब जगह, ठीक है। इंदौर को इंदौर समझ रहे हो, इन चीज़ों की वजह से ही बोला जाता है। यहाँ पर ये मस्जिद है, तो अभी देखो गाइस दिखा रहा हूँ जैसा जैसा, ठीक है। फटाफट गाड़ी चला के जाता हूँ मैं, आपको दिखाऊँगा भाई, मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो एक शॉट आपको शायद यहाँ का भी दिखा सकता हूँ मैं एडिटिंग में, ये एंड है बस गाइस। ये कार खड़ी है ना वाइट कलर की इको, बस ये यहाँ तक आया था, इसके आगे भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई, यहाँ से आगे मेरी आने की हिम्मत नहीं हुई थी गाइस। तो ये है पूरा माहौल राजवाड़ा का, आप देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है गाइस, भीड़ तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, पूरा गाइस देखो राजवाड़ा को ढाक के रखा हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हो पूरा ढाक के रखा है। ये देखो गाइस मैं आपको जाता हूँ, कहीं गाड़ी लगाता हूँ आराम से है ना, फिर पूरा शूट करके बताऊंगा वीडियो क्या है कैसा है। अभी एक हाथ से चलाने में दिक्कत बहुत हो रही है गाइस। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कुछ ये है हमारे प्यारे से राजवाड़ा का सीन, यहाँ पर देखो वाइट कलर घोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आ गया हूँ राजवाड़ा शाम को, क्योंकि सुबह फट रही थी लपक के गेयर में आने से। तो गाइस देखो पूरे किले को ऐसा है ना, यहाँ पर प्लास्टिक से कवर कर रखा है गाइस नगर निगम ने। यहाँ पर देखो हैप्पी होली का स्क्रीन पर भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो
तो ये देखो पूरा ऐसा सीन है। और इधर गाइस अभी पूरा रेनोवेट हुआ है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए ढाक के रखा है ताकि गंदा ना हो भाई। बहुत ज़्यादा अंधी भीड़ थी यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो, ये गाइस गली कितनी प्यारी लुक आ रही है यार, ढाकने के बाद भी वो जो लैंप लगे हैं ना गाइस स्ट्रीट में, इतनी प्यारी लुक आ रही है गाइस। देखो मैं आगे जाके बताता हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअली क्या दिक्कत ये हो रही है ना कि यार देखो गाड़ी अपनी, अब मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे ये पूरा सीन है, पूरा ढाक के रखा है अपने किले को, ठीक है। तो ऐसा सीन है गाइस, गियर तो नहीं दिखा पाया बहुत, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगूंगा, ठीक है। मैं कसम से पागल हो गया जैसे मैंने देखा इतने लोग, एक्चुअली मुझे डर लगता है भीड़ से यार कुछ लेना जाए, ठीक है। तो ये सीन है, चलो मैं आगे जाके थोड़ा बताता हूँ आपको। ले जा रहे हैं भाई लोकेशन में, ये देखो पूरा प्लास्टिक से कवर कर रखा है, ठीक है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हुई होगी गाइस, सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। ये देखो पूरा प्लास्टिक लगा रखा है, ठीक है, पूरा कवर कर रखा है। और मैं सब इंदौर के वर्कर जितने भी हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन सबसे कहना चाहूँगा बहुत बहुत थैंक यू हमारे शहर को साफ रखने के लिए। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा, कभी आप इंदौर के अंदर आते हैं तो बिल्कुल यहाँ की सफाई का ध्यान रखिएगा। जैसा कि देख सकते हैं हमारे सारे इंदौर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, हमारे प्यारे इंदौर को साफ बना रहे हैं। तो आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि हमारे इंदौर में कभी भी आप आएँ तो प्लीज़ इंदौर को साफ रखें, ठीक है। अगर नॉइस आ रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे पास अभी कोई सेटअप नहीं है, ठीक है भाई, हट जाओ थोड़ा सा। तो ये देखो गाइस, ये राजवाड़ा के पीछे का सीन है, कुछ अभी भी कोहरे जैसा गाइस, मतलब धूल उड़ रही है। ये देखो गाइस, इसी अमरीकी शराब की दुकान, मैं नहीं पीता वैसे बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये सीन है, ये यहाँ पे आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी है, ठीक है। अभी मेरे को है ना यहाँ पे गियर डालने में दिक्कत होगी गाड़ी में, तो यहाँ रोकते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ। भाई लोग देखो, अभी चल रही है यहाँ पे लपक के मस्त वाली सफाई, ये गाड़ी उड़ाएगी धूल अच्छी खासी। ये गाड़ी को जाने देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। अभी मैं सोचा था यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, अंकल ने गाड़ी लगा के पूरा रास्ते की ब्लॉक करके बाहर हो जाएगी, तो चलो मैं किसी और एंगल से शूट करता हूँ। तो भाई यहाँ पर देखो हमारा प्यारा सा राजवाड़ा का किला है, ये गाड़ी जा रही है। अब ये मेरे को चिल्लाएंगे कि भाई तू बीच रोड पर क्या कर रहा है, ये वीडियो क्यों बना रहा। तो मैं यहाँ से लगाता हूँ मेरी गाड़ी को थोड़ा धक्का और चलते आगे, ठीक है। बीच रोड पर पागलबंदी कर रहा हूँ मैं जो अपनी, इसे साइड में रख के धक्का लगा लगा के जाऊँगा मैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं करूँगा, ये वीडियो भी तो बनानी है फिर। इतना परेशानी है गाइस ब्लॉगिंग करना, आज मालूम पड़ा पहली बार ब्लॉग कर रहा हूँ। एक्चुअली मोटो ब्लॉग और नॉर्मल ब्लॉगिंग दोनों एक साथ हो गई ना यहाँ पे। ये देखो गाइस, हमारे प्यारे किले को बिल्कुल वैसा कर रखा है। तो आपने किले की पिक तो देखी होगी, अभी मैं कभी आके एकदम वापस से पूरी फुल किले का ब्लॉग भी बना दूंगा, है ना। कमेंट में बता देना अगर आपको फुल ब्लॉग चाहिए हो तो। ये सीन था, अब चलो यहाँ से घर चलते हैं, अब है ना भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया, नहा धो के बस ऐसे ही मज़े ले रहा था मैं। गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरा ये प्यारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी प्यारा लगा हो ना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐसे ही छोटे मोटे प्यारे प्यारे ब्लॉग बना के डालता रहूँगा। पीछे आपको ये ब्राइटनेस दिखी होगी, ये है पूरा राजवाड़े का किला मेरे पीछे, जिसको कवर कर रखा था क्योंकि आज थी रंग पंचमी। गाइस ये निकलती है किला, मैं मिलता हूँ आपसे अलविदा। दो चार सिनेमेटिक डाल दूंगा, एक्चुअली स्टोरेज मोबाइल की बढ़ रही पूरी भरी हुई है, बीच में अभी दो चार चीज़ें डिलीट करी फिर वापस वीडियो बनाया, अभी रास्ते में वापस देखता हूँ क्या हो रहा है। दो चार सिनेमेटिक डाल दूंगा, देखना एंजॉय करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज दिल से। आपने एक चैनल पर मेरे 10,600 सब्सक्राइबर करा दिए मुझे, गाइज देखो एकदम पीछे लाइट चालू हुई है, जस्ट एकदम पीछे अभी लाइट चालू हुई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नए व्लॉग के साथ में। पावर मेरे पास में फुल है, कंटेंट मेरे पास में थोड़ा कम है और आलस मेरे पास में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अगली वीडियो जल्दी से आएगी, बाय बाय गाइज़।